तो भाइयों, कल का वीडियो में मैंने आपको बताया था टेक्नो और इन्फिनिक्स का बीच में कौन सा मोबाइल बेस्ट है, क्योंकि कल मैंने टेक्नो और इन्फिनिक्स का फुल कंपेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। बट आज इस वीडियो में टेक्नो का एक जबरदस्त सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जो है भाई टेक्नो का पोवा सीरीज। अब इंडिया पे लास्ट टेक्नो पोवा 3 लॉन्च हुआ है, उसके बाद टेक्नो पोवा 4 की बारी है। और मुझे काफी सारा भाई लोग कॉमेंट कर रहा है, भाई टेक्नो पोवा 4 इंडिया पे कब लॉन्च हो रहा है, क्या कुछ फीचर्स मिलेगा, प्राइस कितना होगा। तो ये जो पोवा सीरीज है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और सच बताऊं तो टेक्नो का पोवा सीरीज जो फीचर्स हमें देता है ना, वो किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड किसी भी सीरीज में नहीं दे पा रहा है। चाहे वो रेडमी हो, रियलमी हो, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मोटरोला या फिर इन्फिनिक्स, किसी भी ब्रांड जो है नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, टेक्नो पोवा 3 बहुत ही बड़ा बैटरी के साथ आया था, आपको भी पता है, काफी अच्छा मार्केट किया है। उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे है, वो भी आप बाद में चेकआउट कर लेना। बट उसके बाद टेक्नो पोवा 4 की बारी है। अब टेक्नो पोवा 4 मुझे लगता है 5G के साथ आएगा, साथ में और भी तगड़ा फीचर्स मिलने वाला है, क्या कुछ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले टेक्नो पोवा सीरीज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। क्यों टेक्नो पोवा सीरीज दूसरा ब्रांड से अलग है और हटके है? और सच बताऊं, पोवा सीरीज अगर नहीं होता तो टेक्नो इंडिया पे उतना अच्छा मार्केट नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों, आपको शायद याद होगा, टेक्नो पोवा जब इंडिया पे लॉन्च किया गया था और उसी टाइम पोवा सीरीज को 3 फीचर्स को टारगेट करके लॉन्च किया गया था, जो कि अभी भी हमें पोवा सीरीज में भर भर के दिया जा रहा है, जो दूसरा ब्रांड हमें नहीं दे पाता है। पहला है बैटरी। टेक्नो पोवा में आपको देखा होगा 6000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया था, जो कि बहुत ही बड़ा बैटरी था उस टाइम के लिए। साथ ही साथ दोस्तों 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज था, तो यहां पर रैम और रोम में भी कमियां नहीं था। और साथ में दोस्तों गेमिंग चिपसेट मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट था, तो इसलिए पोवा जो है काफी पावरफुल हुआ था उस टाइम, मतलब काफी अच्छा मार्केट किया था। उसके बाद जब टेक्नो पोवा 2 आया, तो टेक्नो पोवा 2 में भी आपको याद होगा 7000 mAh बैटरी के साथ दोस्तों आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का गेमिंग चिपसेट देखने को मिला, साथ में आपको 4GB और 64GB यहां पर कमियां नहीं मिला, तो वहां पर भी काफी अच्छा मार्केट किया। उसके बाद दोस्तों टेक्नो पोवा 3 की बात आए, तो भाई टेक्नो पोवा 3 के बारे में तो आपको पता ही है, 7000 mAh बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग को ऐड कर दिया, उसी के साथ मीडियाटेक हीलियो G88 का गेमिंग चिपसेट, और साथ में दोस्तों यहां पर आपको 4GB और 6GB दो वेरिएंट मिल जाता है। तो इसीलिए भाई टेक्नो पोवा सीरीज जो है काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा मार्केट कर रहा है, क्योंकि धीरे-धीरे अपग्रेड भी हो रहा है और साथ में जो फीचर्स को पहले से टारगेट करके लॉन्च किया गया था पोवा सीरीज को, वो हमें थोड़ा-थोड़ा करके और ज्यादा दे रहा है। अब टेक्नो पोवा नियो भी लॉन्च हुआ था, उस टाइम 6GB के साथ 6000 mAh बैटरी दिया गया था, फोन थोड़ा सा मतलब प्राइस में गया था, बट वो ऑफलाइन मार्केट के लिए था इसलिए। बट अगर बात करते हैं 5G के बारे में, तो टेक्नो पोवा 5G इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जहां पर 5G के साथ आपको 6000 mAh का बैटरी देता है। तो यहां पर बेसिकली टेक्नो पोवा जो सीरीज है ना, वो भाई स्टार्टिंग से ही 3 फीचर्स को टारगेट किया है, गेमिंग चिपसेट, साथ में बड़ा बैटरी और साथ में मोबाइल का रैम और इंटरनल स्टोरेज, और ये तीनों फीचर्स हमें धीरे धीरे पोवा सीरीज में ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिला है। अब 7000 mAh बैटरी अब टेक्नो पोवा 3 में लॉन्च हुआ है। अब बारी है दोस्तों टेक्नो पोवा 4 का, तो देखिए मुझे लगता है यहां पर 8000 mAh बैटरी शायद नहीं मिल सकता है, शायद आपको 7000 mAh का ही बैटरी मिलेगा और फास्ट चार्जिंग 33W का ही होगा। बट मेरे ख्याल से यहां पर मीडियाटेक हीलियो G96 या फिर G95 का चिपसेट हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा G80 के बाद G85 टेक्नो पोवा 2 में आया, 3 में आया G88, अब यहां पर मेरे ख्याल से G96 या फिर G95 हो सकता है टेक्नो पोवा 4 में, तो मेरे ख्याल से यहां पर शायद 5G नहीं भी मिल सकता है। साथ में दोस्तों यहां पर 6GB रैम आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, जो कि हमेशा टेक्नो देते आ रहा है पोवा सीरीज में। ये 3 फीचर्स तो टारगेट मतलब कर रहा है, तो भाई यहां पर ये 3 फीचर्स आपको लाजवाब मिलने वाला है। साथ में कैमरा वगैरह में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिलेगा, डिजाइन भी आपको यूनिक मिलेगा। और हां, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, टेक्नो का पोवा सीरीज में एक अलग ही यूनिक मतलब गेमिंग सा डिजाइन हमें देखने को मिलता है, और इस बार टेक्नो पोवा 4 में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा डिजाइन होने वाला है। तो मुझे ना टेक्नो का पोवा सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि दोस्तों टेक्नो पोवा सीरीज जो फीचर्स हमें देता है वो दूसरा कोई भी ब्रांड किसी भी सीरीज में नहीं दे पा रहा है। चाहे वो इन्फिनिक्स का किसी भी सीरीज देख लो या फिर आप रियलमी, रेडमी, सैमसंग किसी भी मोबाइल का किसी भी सीरीज को उठा के देख लो, टेक्नो का पोवा सीरीज में जो फीचर्स हमें मिलता है वो दूसरा ब्रांड अभी तक नहीं दे पाया है। अब दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं टेक्नो पोवा 4 इंडिया पे कब लॉन्च होगा, तो देखिए अभी तक उसके बारे में कोई भी अपडेट और लीक्स निकलना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको 100% मतलब प्रॉमिस करता हूं, सबसे पहले इन्फॉर्म देने वाला हूं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी अपडेट आएगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो टेक्नो पोवा सीरीज के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी
कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।